क्या रियासत खुद लोगों को निजी स्कूल में दाखिले पर मजबूर करती है? सिंध और पंजाब में अलग अलग कानून क्यों राइज हैं? हुकूमत खुद आवाम को निजी स्कूलों में दाखिले पर मजबूर करती है, इस बात पर इजहार सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क देते हुए कहा कि स्कूल की फीसों में इजाफे से वालदैन मजबूर हैं, स्कूल किसी न किसी बहाने फीस में इजाफे कर रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मजीद कहा कि सिंध हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपीलें हैं। सिंध और पंजाब में अलग अलग कानून राइज है। हुकूमतों से मुफ्त तालीम की फराहमी के लिए किए गए इकदाम पर रिपोर्ट तलब करते हुए वफाकी और सूबाई हुकूमतों को आदाद व शुमार भी पेश करने की हिदायत की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि तालीम बुनियादी हक है जिसकी फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है।